ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे बच्चों को स्वस्थ रखने वाले 7 हेल्दी फूड्स। बच्चों को खाने में सही प्रकार से पोषण का मिलना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर बचपन के दिनों में बच्चे सही पोषण से वंचित रहेंगे तो उन्हें बड़े होने पर पूरी जिंदगी कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो हम आपको बताएंगे कि बच्चों को जरूरी क्या खिलाना चाहिए और वे क्या आहार है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिमला मिर्च बच्चों को तीखा लगता है, पर शिमला मिर्च बहुत जरूरी है। हरे, लाल और पीले रंग में पाई जाने वाली शिमला मिर्च भी बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए। ये रंग बिरंगी सब्जी विटामिन सी से भरपूर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिमला मिर्च में नींबू और संतरे के मुकाबले में कहीं ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। यह कैंसर को रोकने में भी मदद करता है। यह बैक्टीरिया के अटैक से आपके बच्चे की रक्षा करता है। शिमला मिर्च बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है, साथ ही बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ाता है। आप इसे चावल के साथ मिक्स करके बच्चे को खिला सकती हैं। इसे नूडल्स और पास्ता में जरूर डालिए। इसे चिकन के साथ जरूर मिक्स करें या दूसरी सब्जियों के साथ जरूर मिलाइए। आलू भरे शिमला मिर्च बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं, आपके बच्चे भी इन्हें बड़े चाव से खाएंगे। दूसरी चीज है चुकंदर। चुकंदर खाने से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसमें एनर्जी देने वाले ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन इससे वजन नहीं बढ़ता है। मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम के साथ साथ इसमें विटामिन ए और सी भी होता है। कई रिसर्च से साबित हुआ है कि नियमित रूप से चुकंदर खाने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। आप बच्चों को सलाद में मिलाकर चुकंदर को खिला सकते हैं। इसका सूप और जूस बनाकर भी बच्चों को पिला सकते हैं। यह खून को बनाने में मदद करता है। फिर है ब्रोकली। बच्चों को ब्रोकली खाना नहीं भाता है, लेकिन ब्रोकली से विटामिन के की प्राप्ति होती है, जो बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी विटामिन है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और विटामिन ए और सी होता है। आप इसे आलू के साथ मिक्स करके इसका सूप बना सकती हैं। इसका स्वाद जरूर ही आपके बच्चों को पसंद आएगा। इसके अलावा ब्रोकली का इस्तेमाल आप दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। आप इसे आलू के साथ मिलाकर टिक्की भी बना सकती हैं। फिर है बैंगन। बैंगन को हम बेकार की चीज समझते हैं, लेकिन बैंगन बेगुन नहीं है। बैंगन विटामिन B6 का बहुत ही उत्तम स्रोत है। मात्र 75 ग्राम बैंगन खाने से हमारे दिन भर की जरूरत की विटामिन B6 की पूर्ति हो जाती है। आप बच्चों को बैंगन का भरता और इसके रोस्ट कर इसका डीप भी बना सकते हैं, साथ ही आप बैंगन भाजा भी बना सकते हैं। आप जब बच्चों को देंगे तो इन सब चीजों को, जो तली हुई चीजें होते हैं ना, वो बच्चों को बड़ा पसंद आता है। फिर है स्प्राउट्स। अंकुरित चना, मूंग या सोयाबीन पौष्टिकता से भरपूर होता है। यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसमें सभी विटामिन जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के पाए जाते हैं। यह प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। अंकुरित अनाज में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिस कारण यह पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और पाचन में मदद करता है। इसमें कई जरूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं। आयरन से भरपूर होने की वजह से बच्चे में खून की कमी को पूरा करता है, उसे दूर करता है और उन्हें एनीमिया जैसी बीमारी से बचाता है। इसके सेवन से बाल और नाखून दोनों ही मजबूत होते हैं। स्प्राउट्स खाने से टेंशन से भी मुक्ति मिलती है। यह बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। सलाद या रायते में मिलाकर या फिर आलू के साथ मिक्स करके पराठा बनाकर आप बच्चों को इसे खिला सकते हैं। आप इसकी टिक्की भी बना सकती हैं, जिसे बच्चे बड़े मजे में खाना पसंद करते हैं। फिर है मछली। मछली हर व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी खाद्य पदार्थ है। गर्भवती महिला हो या बुड्ढा हो या बच्चा हो, नवयुक्त या नवयुवक हो, मछली का सेवन जरूर करना चाहिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, जिंक और आयोडीन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इससे दिमागी विकास के लिए जरूरी ओमेगा-3 फैटी एसिड जरूरी मात्रा में और भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये विटामिन ए, ई और डी का अच्छा स्रोत है। आप अपने बच्चे को मछली के पकौड़े, फिश फिंगर या चिप्स खिला सकते हैं। ये वाले तरीके से उनको अच्छा लगेगा।
वैसे मछली की सब्जी बनाकर खिलाने से बच्चे वैसे बड़े चाव से खाते हैं। बच्चे को मछली में से कांटे निकालना जरूर सिखाएं। बच्चों को मछली खिलाने से उनका दिमाग तेज होता है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। फिर है पालक। कई बार बच्चों को पालक खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पालक एक सुपर फूड है। इसमें ढेर सारा विटामिन ए सी के अलावा फोलिक एसिड, फाइबर, मैग्नीशियम और कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। यह कैंसर को रोकने में सहायक होता है। पालक खाने से खून में वृद्धि होती है, यह आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। मसूर और हड्डियों को मजबूत बनाने में पालक सहायता करता है। पालक की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके कई तरह के पकवान बना सकते हैं। आप इसे पिज्जा में मिलाकर बच्चों को खिला सकते हैं, आटे में गूंथ कर या मिलाकर इसका पराठा या रोटी बना सकते हैं, दाल में डालकर पालक वाली दाल बना सकते हैं, सब्जियों के साथ मिक्स कर भी बच्चों को खिला सकते हैं। पालक के पकौड़े भी बच्चे को अच्छे लगेंगे। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।